जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। स्वतंत्रता का मूल्य कितना है, जब प्रश्न हुआ और चिंतन चला कि सुख क्या है दुख क्या है, तो स्मृति साहित्य में लिखा गया सर्वम परवशं दुखम सर्वम आत्मवशं सुखम। एक सुख और दुख की अलग परिभाषा की गई, पदार्थ निरपेक्ष परिभाषा की गई। बहुत बार सुख और दुख की परिभाषा पदार्थ सापेक्ष होती है कि अमुक चीज़ मिलती है तो आदमी सुखी बनता है और नहीं मिलती है तो दुखी बन जाता है, अमुक संयोग मिलता है तो आदमी सुखी बनता है और अमुक संयोग नहीं मिलता तो आदमी दुखी बन जाता है। यह सापेक्ष परिभाषा की जाती है, पर यह एक नए ढंग की परिभाषा है कि परवशता दुख है और स्वस्थता सुख है। इसका अर्थ है कि कोई भी आदमी किसी दूसरे के बस में रहना नहीं चाहता, अपने बस में ही रहना चाहता है, और अपने बस में रहना सुख है, दूसरे के बस में रहना दुख। भगवान महावीर ने अहिंसा की परिभाषा के साथ एक बात कही कि नो अज्जावे अब्बा, किसी को परतंत्र मत बनाओ, किसी को अपने अधीन मत बनाओ। बहुत बड़ी बात है, किसी को अपने अधीन मत बनाओ। और सारे व्यवहार में देखते हैं तो हर आदमी दूसरे को अपने अधीन रखना चाहता है। पिता पुत्र में भी लड़ाई इस बात की है कि यह मेरे इच्छा के अनुसार नहीं चलता, मेरे बस में नहीं है। बस में रहता वह पुत्र अच्छा हो जाता है और बस में नहीं रहता वह पुत्र अच्छा नहीं होता। सास बहू की लड़ाई भी यही है कि बहू मेरे बस में नहीं है, मेरी बात नहीं मानती है। भाई भाई में भी यही लड़ाई और शायद गुरु चेलों में भी यही लड़ाई है। गुरु भी कहता है चेला मेरे बस में नहीं है, मेरे अधीन नहीं है। ये लड़ाई सारी स्वस्थता परवस्था की लड़ाई है, बसता की लड़ाई है कि मेरे बस में है या नहीं है। लड़ाई तो यही है, हर आदमी दूसरे को अपने बस में रखना चाहता है। और इसीलिए तंत्र शास्त्र में और मंत्र शास्त्र में वशीकरण मंत्र पर बहुत बल दिया गया, बहुत जगह जगह प्रयोग मिलते हैं दूसरे को बस में करने के वशीकरण के मंत्र, कि इस मंत्र का प्रयोग करो तुम्हारा पति तुम्हारे बस में हो जाएगा, तुम्हारा ससुर तुम्हारे बस में हो जाएगा, या अमुक व्यक्ति तुम्हारे बस में हो जाएगा, शासक तुम्हारे बस में हो जाएगा। वशीकरण मंत्र। अब स्वतंत्रता और परतंत्रता की बात है, एक और वशीकरण की बात है। वशीकरण का अर्थ तो परतंत्र बनाना है, दूसरे को अपने बस में कर लेना है। एक व्यक्ति ने वशीकरण मंत्र की साधना शुरू की। मंत्र काफी
अच्छे ढंग से साधा, विद्या सिद्ध हो गई, तो जो विद्या की अधिष्ठात्री देवी थी वह सामने प्रकट हुई। उसने कहा, बोलो मुझे क्यों आमंत्रित किया तुमने? बोला कि माँ, मैं वशीकरण मंत्र सिद्ध करना चाहता हूँ, तुम मेरा सहयोग करो और मुझे वशीकरण मंत्र सिद्ध हो जाए। तो देवी ने कहा, तुम मुझे अपने बस में रखना चाहते हो? कहा, वशीकरण मंत्र तो यही है कि देवी को भी आराधा अपने बस में कर लिया और फिर जब काम हो उसे बुलाओ और उससे काम कराओ। देवी ने कहा कि पहले अपनी सूरत तो देख लो, जरा कांच में जरा मुंह देख लो अपने। साधना तो करना चाहते हो, मुझे बस में करना चाहते हो, उससे पहले अपना मुंह देखो दर्पण में कि कैसा है। वह दम हक्का बक्का सा रह गया, बोला क्या, मैं क्या देखूं? ये देखो कि तुम्हारा गांव है, गांव के लोग तुम्हारे बस में है या नहीं? बिल्कुल नहीं। पड़ोसी तुम्हारे बस में है कि नहीं है? तुम्हारे माता पिता बस में है कि नहीं है? भाई, कि भाई तो बिल्कुल, मैं इस दिशा में जाता हूं तो भाई इस दिशा में जाते हैं, उल्टे चलने वाले। अरे और सबको छोड़ो, तुम्हारी पत्नी तो तुम्हारे बस में है, कि बस में होती तो तुम्हें साथ ताई किस लिए? मैं बिल्कुल बस में नहीं है, एक भी बात मेरी नहीं मानती है। देवी ने कहा, चलो कोई बात नहीं, ये बताओ तुम्हारा मन तो तुम्हारे बस में है कि वह तो बिल्कुल नहीं है? देवी बोली, तुम्हारा मन बस में नहीं, पत्नी बस में नहीं, परिवार बस में नहीं, पड़ोसी बस में नहीं, गांव बस में नहीं, अरे मुझे बस में करना चाहते हो? इसको छोड़ दो, नहीं तो मार खाओगे, मर जाओगे। आदमी वशीकरण की इतनी लालसा है, दूसरों पर हुकूमत जमाना, दूसरों पर शासन करना, दूसरों को अपने अधीन में रखना, बहुत एक अज्ञात लालसा आदमी में पनपती है। और वही लालसा दुख पैदा करती है। परवश आदमी दुखी अनुभव होता है। एक जंगली जानवर जंगल में रहता है, शायद खाने में कठिनाई होती होगी, मुश्किल से मिलता होगा, फिर भी मस्ती में रहता है। और एक वह जानवर, शेर चीता भालू कोई भी, जिसको पिंजड़े में लाकर बांध दिया, जंतुआलय बना दिया, उसमें रख दिया, बेचारा कितना दुखी हो जाता है। चाहे खाने को ज्यादा देते हैं फिर भी दुखी है, क्योंकि अपनी इच्छा से काम नहीं कर सकता। जहां इच्छा का निरोध जबरदस्ती किया जाता है वहां दुख पैदा होता है। इच्छा का निरोध करना सुख भी है और इच्छा का निरोध करना दुख भी है। व्यक्ति अपने इच्छा से इच्छा का निरोध करता है, अपनी चेतना से इच्छा का निरोध करता है तो सुख बढ़ता है, और जबरदस्ती को इच्छा का निरोध कराता है तो दुख बढ़ जाता है। बहुत सारे जो बच्चे हैं क्यों बिगड़ते हैं? कि उन पर जबरदस्ती उनकी इच्छा को रोका जा सकता है, समझाया नहीं जाता, जबरदस्ती रोका जाता है, तो फिर दुखी बन जाते, अच्छा काम भी नहीं करते। हमारे मुनि भी जो छोटी छोटी आते हैं परिवारों से, तो जब कोई बड़े साधु उनको डांटते हैं कहते हैं, तो वे कहते हैं वापस, आप मुझे डांटो मत, पहले समझा दो कि यह काम अच्छा नहीं है, करना नहीं है, सीधा मत डांटो। बात भी ठीक है, पहले समझाओ उनको कि यह काम करना तुम्हारे हित में नहीं है, यह काम करना अच्छा नहीं है, श्रेयस नहीं है, समझाओ। समझाना, और जब समझ में आ जाए
तो फिर उसे छुड़ा दो, वह छोड़ देगा अपने आप। जबरदस्ती मत करो, परवश मत बनाओ किसी को। एक बहुत बड़ा प्रयोग है स्वतंत्रता का, तो सबको अपनी इच्छा का आदर करने दो। मुनि के लिए एक विधान है कि सहयोग लेना है। दो मुनि हैं, एक मुनि को सहयोग की अपेक्षा है, दूसरे मुनि से सहयोग लेना है। यह नहीं कह सकता कि तुम मेरा काम करो, तुम्हें करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कह सकता। वह जाकर विनम्रता के साथ कहता है कि मुनिवर, आज मुझे यह अपेक्षा है, इच्छम आओ विभन्ते, अगर आप अपनी इच्छा से करना चाहो तो मेरा सहयोग कर लो। अब दोनों भाषाओं में कितना अंतर आ गया। यह सारा अंतर एक भाषा विवेक का होता है। एक तो सीधा उस पर लाद दो, वह और ज्यादा उत्तेजित हो जाएगा, और एक उस पर आरोपित मत करो, भार मत लादो, उसके भीतर से उस चेतना को प्रकट करो। तो मेरा, मुझे सहयोग की अपेक्षा है, यदि आप कृपा करें, अरे मुझे सहयोग दें, तो मैं बड़ा कृतार्थ हो जाऊंगा। अपने आप उसके मन में आती है, यह परवश नहीं बनाया उसको, जबरदस्ती कह दिया नहीं तुझे करना पड़ेगा, इसका मतलब उसको नकेल डाल दी नाक में, नकेल डाल दी तुझे तो चलना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। यह सारा अंतर आ जाता है। हम जब स्वतंत्रता की मीमांसा करें तो वहां हमें सोचना होगा कि हमारा वाणी का प्रकार कैसा होना चाहिए, बोलने का तरीका क्या होना चाहिए, हमारे व्यवहार का तरीका क्या होना चाहिए, ऐसा विनम्रता पूर्ण हो जिससे सामने वाले व्यक्ति में स्वयं स्फूर्त प्रेरणा जागे कि मुझे यह करना चाहिए। जबरदस्ती रोको, मनाही करो, तो नहीं कर रहा है तो भी करेगा। प्राय एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि है कि निषेध, सीधा निषेध करो, इसका मतलब उसे करने के लिए प्रेरित करो। कोई बहुत डींग मारने वाला आदमी था, गप्पी आदमी, डींग मारने वाला, बड़ी डींगे मार हांकते हैं कुछ लोग, बाहर गांव में व्यापार करने जाता और बहुत देरी से आता। पत्नी कहती, देखो सांझ का समय, इतनी देरी से आए हो, रात पड़ गई, भोजन कब होगा, बहुत देरी कर देते हो। कि तुम्हें क्या पता, जो जाता उसको पता है कि मैं कितनी मुश्किल से आता हूँ। कभी कहता, आज 5 चोर मिल गई, मैंने मुश्किल से उन सबको डांटा और सबसे छुटकारा पाकर आया। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ बहाना लेता। एक दिन बहुत देरी से आया तो पति ने कहा, बहुत देरी से आए हो, आज तो और देरी कर दी, तो आज तो पूछो मत, तुम्हारा सौभाग्य रहना था, आ गया, नहीं तो आने का कोई प्रश्न नहीं था। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या इतने चोर मिल गए? ये हुआ। पति ने सोचा, इतने चोर रोज कहां से आते। एक दिन पति ने वेश बदला और उसी रास्ते पर गई, और जब आने लगा तो एक ऐसा जोर से हाकल की कि गिरा दे पोटली को। पोटली गिरा दी, जा चला जा, चला गया। अब पत्नी दूसरे रास्ते से पोटली लेकर घर पर पहुंच गई, और वह धीमे धीमे देरी से आया, बोला आज तो, आज तो बस आना था, आ गया, आज तो इतने खूंखार चोर मिले थे, और तो क्या हुआ, मेरी पोटली भी छीन ली उसने। और पोटली नहीं छीनी थी, एक थप्पड़ और मारा था, बस आ गया, खैर समझो इतने में। वह बोली, भले आदमी क्यों रो, झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो, सामने लाकर पोटली, ये तुम्हारी पोटली, और कोई चोर नहीं था, कहाँ 10-20 चोर थे, मैं तो थी। अच्छा तुम ठीक है, तब मुझे ये लगा तो सही कि ये पोला पोला हाथ पोपले की माँ खाई, चोर होता तो पता नहीं कैसा चांटा मारता।
जिस व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता और अपने से बाहर चला जाता है, मन पर नियंत्रण नहीं, वाणी पर नियंत्रण नहीं, कभी झूठ बोलता है, कभी चोरी करता है, कभी बहाना करता है, सब कुछ करता है, तो ये इंद्रियां पांच, मन छठा और चार कसाय एक सीमा बन गई, तो इन दस पर विजय पाने वाला स्वतंत्र आदमी है दुनिया में। और इन दस पर जिसका नियंत्रण नहीं है वह परवश आदमी है। इस अर्थ में वह स्मृति का वाक्य याद करें, सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम। परवशता दुख है। अब परवशता का क्या अर्थ करें? क्या दूसरे की बात को मानना, दूसरे के अधीन रहना? अधीन रहना होता है। एक आदमी में समझ कम है और वह अगर दूसरे के अधीन नहीं रहेगा तो और बिगड़ जाएगा। छोटा बच्चा है 2 वर्ष का, अगर माता के अधीन नहीं रहेगा तो उसका भरण पोषण भी नहीं होगा। अधीनता का हमें अर्थ समझना है और सबसे पहले उसका आध्यात्मिक अर्थ हम अध्यात्म के संदर्भ में समझने का प्रयत्न करें कि स्वतंत्रता क्या है और परतंत्रता क्या है। स्वतंत्रता सुख है और परतंत्रता दुख है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका मूल अर्थ होगा कि अपने पर विजय पाना स्वतंत्रता है और अपने पर विजय न पाना, अपनी इंद्रियों को खुला छोड़ देना, मन को खुला छोड़ देना, क्रोध आदि को खुला छोड़ देना, यह आदमी की परतंत्रता है। यदि हम इस स्वतंत्रता को, परतंत्रता को ठीक समझ सकें तो इसका उपयोग व्यवहार में भी होता है। वही राष्ट्र स्वतंत्र रह सकता है, हो सकता है, जिसके नागरिक चरित्रवान होते। जिसके नागरिक चरित्रवान नहीं होते, जहां नैतिकता का मूल्य नहीं होता, वह लंबे समय तक स्वतंत्र रह नहीं सकता। परतंत्रता ही परतंत्रता। आदमी धन से इतना दब जाता है, इतना परतंत्र बन जाता है कि धन देकर जो चाहो सो करा लो। एक किसी व्यक्ति ने टिप्पणी की थी कि भारत का आदमी का क्या, थोड़ा प्रलोभन दो, धन दो, चाहे सो करा लो। कुछ अर्थों में बात भी ठीक है। धन के प्रलोभन द्वारा ऐसे अकार्य होते हैं। अब सेना है सुरक्षा के लिए, वहां भी कभी कभी धन का प्रयोग चल जाता है। सेना के लिए आयुधों की खरीद करनी है, बढ़िया चाहिए, वहां भी कुछ 2 नंबर के आ जाते हैं। अब भला और क्या होगा? चाहे सेना को क्षेत्र को देखो, चाहे प्रशासन को देखो, व्यापार की तो बात ही क्या, बाजार तो भरा पड़ा है इससे, वहां तो स्वतंत्रता है ही नहीं। वास्तव में जब बाजार में स्वतंत्रता आए तो राष्ट्र को स्वतंत्र कहलाने का अधिकार है। बाजार में तो पूरी परतंत्रता है। आदमी इतना पैसे से दबा हुआ है कि पैसे के सिवाय कुछ सोचता नहीं, तो फिर कुछ होता नहीं है। इसलिए हम स्वतंत्रता और परतंत्रता 2 संदर्भों में समझने का प्रयत्न करें। एक आध्यात्मिक संदर्भ कि वहां स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, परतंत्रता का अर्थ क्या है, और एक भौगोलिक संदर्भ, वहां स्वतंत्रता और परतंत्रता का अर्थ अलग है। आध्यात्मिक संदर्भ में जिसका अपने पर नियंत्रण है वह स्वतंत्र है, जिसका अपने पर नियंत्रण नहीं है वह आदमी परतंत्र है। यह आध्यात्मिक परिभाषा है। और भौगोलिक परिभाषा
कि जिस भूमि पर रहने वाले लोगों का शासन है वह राष्ट्र स्वतंत्र है, और उस भूखंड पर किसी दूसरे का शासन है वह राष्ट्र परतंत्र है। अब इसको तीसरे अर्थ में समझने का प्रयत्न करें, और वह है आर्थिक जीवन, क्योंकि अर्थ है मनुष्य के जीवन को चलाने वाली सबसे बड़ी शक्ति, अर्थ है, धन है। उसके संदर्भ में करें तो यह होगा कि जो आदमी धन के प्रलोभन में आकर अकरणीय कार्य नहीं करता वह स्वतंत्र है, और धन का लालच, धन का प्रलोभन आदमी को सब कुछ करा लेता है वह आदमी परतंत्र है। इसलिए हम स्वतंत्र और परतंत्र के अर्थ को अनेक संदर्भों में समझने का प्रयत्न करें। केवल भूखंड के आधार पर ही न करें, इसीलिए आचार्य तुलसी ने जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, पहले ही वर्ष आज़ादी के दिन आचार्य वर ने गीत बनाया था। उस गीत का प्रारंभ इसी से होता है, असली आज़ादी अपनाओ। यह नैतिक मूल्यों के संदर्भ में था, चरित्र के संदर्भ में था कि एक आज़ादी तो मिल गई जो ब्रिटिश सत्ता थी यहाँ से चली गई, और हिंदुस्तान का राज्य हिंदुस्तान के हाथ में आ गया, यहाँ के निवासियों के हाथ में आ गया। एक आज़ादी तो हो गई, पर जब तक नैतिकता का विकास नहीं होगा तब तक उसे असली आज़ादी नहीं कहा जाएगा, वास्तविक आज़ादी नहीं कहा जाएगा। जब तक चरित्र का विकास नहीं होगा असली आज़ादी नहीं बन पाएगी। इसलिए प्रत्येक हिंदुस्तानवासी को इन दोनों दृष्टियों से देखना है कि अपनी भूमि पर अपना शासन हमारा है, यह तो हमें प्राप्त है, किंतु अपनी भूमि पर, अपने बाजार पर और अपनी कार्य प्रणाली पर नैतिकता का शासन हुआ या नहीं हुआ। अगर नैतिक मूल्यों का विकास नहीं जुड़ा हुआ है तो हम वास्तव में परतंत्र के परतंत्र हैं, और नैतिक मूल्यों का विकास है तो सही अर्थ में स्वतंत्र हो सकते हैं। इन सारे अर्थों को समझकर और हम चरित्र और नैतिक मूल्यों का विकास करने का प्रयत्न करें। ओम ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः।